कैसे आप लोग बना सकते हो अपने कंप्यूटर पे एंग्री बर्ड, कि कैसे आप लोग बना सकते हो अपने कंप्यूटर पे ओए कश्मीर कैटास्ट्रोफ। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो अपने कंप्यूटर पे एंग्री बर्ड। Hey Red, how are you? Oh, I'm horrible. MS Paint का यूज करके तो चलो यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें जाना है स्टार्ट बटन पर और यहाँ पे लिखना है MS Paint, MS PAINT और एंटर प्रेस कर दे रहा है। तो जैसे ही MS Paint ओपन हो गया, अगर मान लीजिए आपका पेज पूरा नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, बस आप सिंपली यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देना, ये पूरा आ जाएगा। तो चलो यार हम लोग बनाते हैं एंग्री बर्ड MS Paint पे। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक सैंपल के लिए एक कोई फोटो ले आता हूँ एंग्री बर्ड का, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा पेस्ट पर, यहाँ पे मुझे मिलेगा पेस्ट फ्रॉम, इस पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो मेरा फोटो है वो सेव है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फाइंड कर लूंगा, ये मिल गया बर्ड, मैं इसे ओपन कर लूंगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है, तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे लेना है सर्कल। अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा ब्लैक कलर में। अभी आप चाहो तो इसका साइज बड़ा कर सकते हो, तो आपको क्या लग रहा है कि इतना साइज होना चाहिए, तो अगर होना चाहिए तो आप इसको बड़ा कर लो। अब आप क्या करो ना, इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लो और यहाँ पे इस तरह से छोटा बड़ा करके आप देख लो। ये आपको लग रहा है थोड़ा ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर कर लो इसे, इसे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा नीचे लाना है या ऊपर जाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से बनाने के बाद आप यहाँ से सिंपली इसे वापस रख लो और यहाँ पे छोड़ दो, तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इस तरह का कर्व लाइन। तो इस तरह का कर्व लाइन मुझे कर्व लाइन में मिलेगा, मैं क्या करूंगा सिंपली यहीं पे इसे ड्रॉ कर लूंगा, इस पे रखूंगा और इस तरह से यहाँ पे बना लूंगा। तो ये मुझे डबल टच करना पड़ता है, एक बार मैंने किया, एक बार फिर से मैं करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा ही मेरा बन जाए। ये यहाँ पे बन जाने के बाद आप सिंपली यहाँ से उठाओ और अपने एंग्री बर्ड पे रख दो। तो ये हो गया ना, अब यहाँ पे अगर आपका हल्का सा बाहर आ गया है तो आप यहाँ से मिटा लो इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका ये सर। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं कर्व लाइन को ही यूज करूंगा। कर्व लाइन भी क्या, आपको यहीं पे सिंपली ड्रॉ करना है। जैसे मैं क्या करूंगा, ये मुझे दो बनाना है इस तरह से, तो मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से लेना है। अब मैं इसे सिंपली ड्रैग करूंगा यहाँ पे ले आना है, सबसे नीचे तक चढ़ा देना है, फिर वापस आप इसको खींचोगे तो ये ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो जाएगा। अब हल्का फुल्का आगे पीछे तो चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसको सिंपली उठा लो, अब यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। तो अभी मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगा, मैं इसे साइड में रखूंगा और मुझे एक और बनाना है, तो वो भी मैं यहीं पे बनाऊंगा इस तरह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे ड्रैग करना है। तो मैं इधर नीचे वाला पहले ले जाऊंगा फिर ऊपर वाला। ये बन जाने के बाद फिर से मैं इसे वापस लाऊंगा और यहाँ पे जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे रख लूंगा। अब ये मेरा बन चुका है, अब मैं इसे करूंगा सेलेक्ट। अब ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे बैकग्राउंड छिप रहा है। तो मैंने MS Paint का फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, इसे जाना है यहाँ पे, कर देना है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। आपको ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये इस तरह का मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे रखूंगा साइड, मैं पहले यहाँ पे हल्का सा थोड़ा कट करूंगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और आपको डिलीट कर देना है, तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको इरेजर से भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपना जो बनाए हो उसको यहाँ पे रखो। अब ये यहाँ पे नहीं सेट है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर दो। अभी मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा इधर ले जाऊंगा, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैं कर लूंगा। ये जो एक्स्ट्रा निकल गया है मैं यहाँ पे इसे मिटा दूंगा। तो मिटाने के लिए जाना है इरेजर पे और यहाँ पे आप इसको सिंपली मिटा दो। अब हमें दोस्तों क्या करना है, बनाना है इसका आग। आग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसी तरह से सर्कल लूंगा और मैं सर्कल भी यहीं पे ड्रॉ करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे बना लो, ये होना चाहिए थोड़ा नीचे, ये थोड़ा आगे, थोड़ा ये और नीचे होना चाहिए, ये मिल गया मुझे आँख। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको वापस लाऊंगा और मैं इसे साइड रखूंगा। इसका दूसरा वाला आँख इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसी का कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपको कंट्रोल दबाना है और इसको पकड़ के खींचना है, लेकिन ये अभी आप खींचोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये कब होता है, आपको दोबारा से इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आप कंट्रोल दबा करके खींचोगे तभी ये कॉपी होगा। तो मैं दूसरा वाला आँख इसके बगल में रखूंगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, यहाँ से बस हल्का सा छोटा कर लूंगा, ये बन गया। अब मैं इसे वापस सटा दूंगा, तो ये इस तरह का आंख मिल गया। ये थोड़ा नीचे होना चाहिए जैसा इसमें दिख रहा है, इसमें थोड़ा नीचे करना है तो मैं नीचे कर लूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करके उठा के वापस यहाँ ला देंगे। अभी ये यहाँ रहेगा, उसके बाद इसका इस तरह का चोंच बनाना है। तो मैं पहले आंख बना लेता हूँ। आंख बनाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जहाँ पे आपको लग रहा है कि होना चाहिए वहाँ पे आंख को रख दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मुझे ऐसा आंख बनाना है जैसा इसका है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कर्व लाइन का यूज करूंगा। कर्व लाइन मुझे यहाँ पे
लेना है, यहाँ पे ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक, और मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे बनाऊंगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, इस तरह से ड्रैग करना है और ये टेढ़ा होना चाहिए। कर लो एक बार और टच, इसको करना ही पड़ेगा। तो आप दो बार इसको इस तरह से टच कर लो। तो मुझे इसे बनाना है एंग्री, गुस्से वाला। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी बना लेना है। एक बार और टच होगा, एक बार और टच करना है। ये गलत बन गया तो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड कर देना है, दोबारा से बनाना है। तो आप फिर से इसको इस तरह से बनाओ और ये दो बार टच कर दो ऐसे। ये बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इस तरह का आईब्रो बनाना है। दोस्तों आईब्रो बनाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, मैं सिंपली वैसे ही बनाऊंगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको मैंने एक बताया था पॉलीगॉन का यूज, ये वाला पॉलीगॉन आप इसको यूज करो। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे ही आप इसका फ्रेम बना लो और यहाँ पे ला करके रख दो। फ्रेम बनाने के लिए आप यहाँ पे बस क्लिक करो। पॉलीगॉन का यूज आपको याद है ना, आपको करना क्या है, एक सिंपली लाइन ड्रॉ करना है और जहां भी आप क्लिक करते जाओगे वो अटैच करता जाएगा। वो तब तक करता जाएगा जब तक जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म ना हो जाए। तो ये इस तरह से होता है पॉलीगॉन का यूज। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अटैच कर लेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर से अटैच कर लेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोबारा अटैच करेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे क्लिक करूंगा। तो ये बन गया ना एक फ्रेम। अब मैं इसे उठाऊंगा जैसे वहां पे है उसी तरह यहाँ पे ला दूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं पहले ही इसमें कलर कर लूंगा। कलर करने के लिए आपको करना है ब्लैक कलर इसके अंदर, उसके बाद आप इसको सिंपली सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके इस पे रख दो। तो मैं इसे लाऊंगा थोड़ा नीचे और एंग्री, थोड़ा और एंग्री। जितना आईब्रो नीचे आएगा उतना ही ज्यादा ये एंग्री दिखेगा। तो ये बन गया मेरा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का डॉट लाना है और ये जो एक्स्ट्रा है ये मिटा देना है। तो एक्स्ट्रा वाला हम लोग मिटा देंगे। मिटाने के लिए आप लोग को यूज करना है इरेजर का। लेकिन अगर आप लोग को इरेजर को बड़ा करना है तो मैंने बताया हुआ है कि कंट्रोल के साथ आप प्लस करोगे तो इरेजर बड़ा होगा, कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो इरेजर छोटा होगा। उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो छोटा या बड़ा। तो मैं छोटा नहीं रखूंगा, थोड़ा बड़ा ही रखूंगा। उसके बाद अगर आपको फिक्स कर सकते हो मैग्नीफाइंग से, ये बड़ा हो जाएगा और फिर आप आराम से मिटा पाओगे। मिटाने के लिए वापस इरेजर पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप आराम से मिटा लो। और अगर मान लीजिए सपोज आपसे कुछ गलती हो जाए, जैसे मान लो आप यहाँ मिटा लो गलती से ऐसे हो गया, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ जेड दबा लेना है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं। ये मिट चुका है। अब मैं पहले की तरह कैसे करूंगा, तो मुझे जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको करना है 100% और वापस आ जाना है होम पर। तो ये बन चुका है मेरा इस तरह से। अब हमें करना है इसके चोंच को बनाना है। तो चोंच को बनाने के लिए आपको फिर से कर्व लाइन का यूज करना है। तो कर्व लाइन को आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको फ्रेम कर सकते हो या फिर आप इसे छोड़ो यहाँ पे, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे बनाओ। आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। करना क्या होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा कहाँ तक, नीचे तक। अब मैं इसे छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद मैं इसे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा इस तरह से एक बार। एक बार और टच करना पड़ता है इसको, तो मैं एक बार इसे और टच करूंगा। तो ये बन गया मेरा इस तरह का। अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है इस तरह सा नोकीला सा चोंच। तो उसके लिए मैं वापस से कर्व लाइन का यूज करूंगा। कर्व लाइन को खींचूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो दोस्तों आपको क्या करना होता है ना, मान लो जैसे कि आप यहाँ पे बना रहे हो, आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पे छोड़ना है, बाद में आपको इस तरह से ड्रैग करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फ्रेम पे अगर आपको कुछ मुश्किल लगे तो आप फ्रेम से डायरेक्ट बना सकते हो। मैं क्या करूंगा, ये जो देखो आप यहाँ पे, मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कलर वाला है, इससे थोड़ा दूर तक गया हुआ है, तो मैंने इसे इसलिए यहाँ पे छोड़ा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे ड्रैग करूंगा एक बार और इसे थोड़ा नोखीला बनाऊंगा यहाँ पे, और ये एक बार और टच होगा तो एक बार और मैं इसे टच करूंगा। देखो ये गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करते हैं फिर से बनाते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे ड्रैग करूंगा और लाइन खींचूंगा। मैंने एक बार ऐसे यहाँ पे बना लिया और एक बार इस तरह से नोखीला यहाँ पे बना लिया। अब ये बन जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह का ड्रॉ करना है। उसके लिए फिर से कर्व लाइन मेरा यूज होगा। आपको ये वाले लाइन का अब कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस लाइन को हटा दो। इस लाइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इरेजर का यूज करूंगा और सिंपली इसे मिटा दूंगा। तो मैंने इसे मिटा दिया। उसके बाद मैं यूज करूंगा कर्व लाइन और कर्व लाइन को यहाँ से निकालूंगा और सिंपली जाकर के यहाँ तक सटा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, एक बार इसे नीचे कर देना है और एक बार इसे इस तरह से ऊपर कर देना है। तो ये बन गया। अब हमें बनाना है यहाँ पे इस तरह का। तो इसके लिए भी मैं कर्व लाइन का यूज करूंगा। कर्व लाइन को इस तरह से खींचूंगा यहाँ तक और इसे यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा करके छोड़ दूंगा और फिर एक बार और क्लिक कर दूंगा। ये यहाँ पे ये बन गया। अब हमें बनाना है यहाँ पे हल्का सा टच कराना है। तो उसके लिए भी मैं कर्व लाइन ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से सटाया और एक बार ऊपर किया, एक बार और टच कर दिया। तो ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका इस तरह से पूंछ और यहाँ पे देना है आग। तो आग बनाने के लिए हम यूज करेंगे सर्कल का। तो मैं इस तरह से बना लूंगा। इस तरह से बनाने के बाद आपको थोड़ा बड़ा ही बना लेना है। यहाँ पे बन गया, यहाँ पे इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कलर कर दूंगा। कलर करने के लिए आपको फिल विद कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है इस तरह से कलर। अब इसको आप कॉपी कर लो, सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ कॉपी करके खींच लो और इसे रख दो यहाँ पे। देखो कहाँ पे रखा है, इधर रखा है, तो रख दिया मैंने। इसका एक और कॉपी बना
करता हूँ और मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। ये आप चाहो तो हल्का सा छोटा भी कर सकते हो। तो ये मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। अब ये लग रहा है गुस्से में। दोस्तों इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसका पूंछ बनाओगे ना। पूंछ बनाने के लिए देखो आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। पॉलीगॉन को लेना और यहाँ पे इसका फ्रेम बना लेना। फ्रेम बनाने के लिए देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो, जैसे कि अभी आप पॉलीगॉन का यूज करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे करोगे ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैच भी कर देगा कभी कभी, क्योंकि छोटा है तो प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करो डायरेक्ट इसको बड़ा कर लो। यहाँ पे आप इसको बड़ा करोगे तो ये तो बड़ा होगा, लेकिन आप जो भी आइकन लेते हो वो आपका छोटा ही रहेगा। तो आप आराम से बना पाओगे। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, इस तरह से मैंने लाइन लिया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया तो ये बन गया। उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ आ गया, फिर यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ आएगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा और फिर वापस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर ये सेट वापस पूरा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो ये बन गया मेरा पूरा फ्रेम, बन गया ना। यानी कि आप इसको थोड़ा अलग हटा लो और यहाँ पे चल जाओ व्यूज में और आपको करना है 100%। अब इसको यहाँ से खींच के लाओ और इसमें सटा दो। तो ये बन गया। ये थोड़ा नीचे होना चाहिए तो आप नीचे कर लो। अभी मान लो कि हल्का सा इधर आ गया, अंदर आ गया, हल्का सा ज्यादा यहाँ पे आ गया, तो कोई बात नहीं, आपको होम में जाना है, यहाँ पे आपको मिल गया इरेजर, आप यहाँ पे इसको मिटा सकते हो। अगर मिटाने में प्रॉब्लम हो तो आप मैग्नीफाइंग का यूज करके मिटा सकते हो, आप आराम से मिटा पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको 100% कर लेना है, उसके बाद चल जाना है होम में। अब मैं क्या करूंगा इसमें कलर करूंगा। कलर करने के लिए आपको जाना है फिल विद कलर में। आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर, तो आप यहाँ पे रेड कर दो। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे कलर। यहाँ पे इस तरह का कलर कौन सा होता है, यहाँ पे कोई कलर आपको लग रहा है जो ऐसा होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो आप इस पे सिंपली क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कलर। अगर आपको यहाँ पे कोई कलर ना मिले, जैसे कि आपको इसमें ही थोड़ा डार्क कलर चाहिए, तो आप चल जाना एडिट कलर में। यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला कलर लिया हुआ है, तो इसको भी आप जितना चाहो उतना डार्क कर सकते हो, यहाँ पर जितना चाहो लाइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। या मैं ये वाला कलर ले सकता हूँ, ये वाला कलर भी आप लगा सकते हो। ओके करेंगे के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो मेरा यही वाला सही लग रहा था, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें करना है यहाँ पे येलो, तो मैं लूंगा येलो। यहाँ पे येलो मैंने किया तो ये कुछ ज्यादा ही लाइट वाला येलो है। कोई बात नहीं, आपको जाना है एडिट कलर में और आपको इसको कर देना है थोड़ा सा डार्क और कर दो ओके। तो देखो इसका थोड़ा अलग कलर होगा। ये अभी भी लाइट आ रहा है तो आप इसको थोड़ा और भी डार्क बना सकते हो। ये वाला कलर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह का यूज कर सकते हो। तो ये बन गया मेरा एंग्री बर्ड। और जो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब यहाँ पे मेरा कलर छूट गया तो मैं इसे कर लूंगा ब्लैक। इस पे यहाँ सिंपली कलर लूंगा, फिल विद कलर पे जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक। ब्लैक हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हो एंग्री बर्ड। इस तरह से आप और भी कार्टून बना सकते हो, जैसे कि डोरेमोन, एंग्री बर्ड के भी और भी होते हैं, वो सब बना सकते हो। कोई भी कार्टून आप इस तरह से लाओगे आप यहाँ पे इसको सिंपली बना सकते हो ये सारा टूल यूज करके। ये कंप्लीट बन जाने के बाद आप इसको बहुत सारा भी बना सकते हो, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहो तो छोटा कर सकते हो, थोड़ा आपको इसको खींचना हो ऐसे तो ऐसे कर सकते हो। अगर मुझे इसका कॉपी करना हो तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा और खींच दूंगा, ये हो जाएगा कॉपी, और मैं इस तरह से बहुत सारा एंग्री बर्ड बना सकता हूँ। मैं बस कॉपी करता जाऊंगा और ये बनता जाएगा, बस आपको कंट्रोल के साथ खींचते जाना है। आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर लो और ये बनाते जाओ। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।